हेलो दोस्तों, मेरे चैनल इनकी जी क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। दादी नानी की बताई हुई बहुत ही कमाल के नुस्खे। नंबर एक, अगर गंजापन से छुटकारा पाना चाहते हैं, मतलब नए बाल उगाना और पुराने बालों को गिरने से रोकना चाहते हैं, तो इसके लिए 5 चम्मच दही में 1 नींबू का रस और 2 चम्मच काले चने का पाउडर मिलाकर सिर पर लगाएं और 1 घंटे बाद धो लें। इस देसी नुस्खे को हफ्ते में 2 से 3 बार करें। नंबर दो, घुटने और जोड़ों के दर्द का इलाज करने के लिए अश्वगंधा, सतावरी का चूर्ण और अमलकी को अच्छे से मिला लें और रोजाना सुबह पानी के साथ लें। इससे दर्द ठीक होगा और जोड़ों को मजबूती मिलेगी। अगर गठिया की शिकायत हो तो इस उपाय से वो भी ठीक हो जाता है। नंबर तीन, दिल की बीमारियों का उपचार करने के लिए घरेलू नुस्खे। 20 ग्राम गाजर का रस और 40 ग्राम आंवले का रस मिलाकर पिए। इस उपाय से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। नंबर चार, अगर आपको शुगर बढ़ने की बीमारी है तो सुबह सुबह खाली पेट करेले का जूस पिए। जूस बनाने से पहले करेले के बीज निकाल दें। जूस निकालने के बाद इसमें थोड़ा पानी मिलाएं और पी जाएं। इस उपाय को 2 महीने तक लगातार करें, आपकी शुगर कंट्रोल में हो जाएगी। नंबर 5, लहसुन के तेल में अजवाइन और हींग मिलाकर पका लें और जोड़ों की मालिश करें तो जोड़ों और घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा और हड्डियाँ मजबूत बनेंगी। नंबर 6, 1 ग्राम मिश्री, 1 ग्राम सूखा धनिया और 1 ग्राम सर्पगंधा पीसकर पानी के साथ लेने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। नंबर 7, शरीर में खून की कमी पूरी करने के लिए 1 ग्लास मीठे दूध में 5 ग्राम बेलगिरी का चूर्ण मिलाकर पिएं। कुछ दिन लगातार इस उपाय को करने से खून की कमी दूर होने लगती है। नंबर 8, खूनी बवासीर के इलाज में खून को रोकने के लिए 10 से 12 ग्राम धुले हुए काले तिल को घर में बनाए हुए ताजा मक्खन के साथ खाएं। इसके निरंतर प्रयोग करने से बवासीर में खून निकलना बंद हो जाता है। नंबर 9, सुबह उठकर मुंह में पानी भर के आंखों पर पानी मारने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और दिमाग शांत होता है। नंबर 10, अगर किसी को आधे सिर दर्द यानी माइग्रेन की बीमारी हो तो सिर के जिस हिस्से में दर्द ज़्यादा हो उस तरफ की नाक में गाय का शुद्ध देसी घी डालें, आराम मिलेगा। नंबर 11, लीवर की सूजन और कमजोरी दूर करने के लिए हर रोज सुबह शाम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पिए। लीवर को ताकत देने और गर्मी दूर करने का ये रामबाण उपाय है। नंबर 12, जब छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तब उन्हें काफ़ी पीड़ा होती है। इसके अलावा उल्टी, दस्त और बुखार जैसी परेशानियां भी होती हैं। ऐसे में बच्चों को संतरे का रस देने से उनकी बेचैनी दूर होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। 1 बार में 2 चम्मच रस ही दें और दिन में कम से कम 3 बार बच्चे को संतरे का रस पिलाएं। नंबर 13, झड़ते बालों को रोकने के लिए दही का इस्तेमाल बहुत असरदार है। दही से बालों को जरूरी पोषण मिलता है। बालों पर दही लगाने के 1/2 घंटे बाद धो लें। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ते हों तो हफ्ते में 2 से 3 बार इस उपाय को करें, इससे बालों को मजबूती मिलेगी। नंबर 14, काली मिर्च, अजवाइन, नमक, जीरा, सौंठ, धनिया, मोटी इलायची, पुदीना और काला नमक, ये सब 10-10 ग्राम की मात्रा में लें और 3 ग्राम लौंग लें। इन सबको मिलाकर बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। अब रोजाना 3 ग्राम चूर्ण पानी के साथ लेने से पेट का दर्द
और पेट की गैस का इलाज होता है। खाना ठीक से हजम करने में भी ये आयुर्वेदिक उपाय काफ़ी फायदेमंद है। नंबर 15, कैंसर के इलाज में हल्दी और गोमूत्र का प्रयोग रामबाण उपाय है। ये कैंसर के सेल्स को नष्ट करते हैं। इसके लिए आधा कप गोमूत्र और आधा चम्मच हल्दी मिलाकर गर्म करें और रोगी को चाय के जैसे पीने को कहें। इस उपाय को दिन में 2 बार लगातार 3 महीने तक करने पर आश्चर्यजनक तरीके से फायदा मिलता है। नंबर 16, चेहरे से पिंपल्स और कील मुहासे हटाने के लिए नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से चेहरे को धोएं। पत्तों को पीसकर एक लेप बना लें और चेहरे पर लगाएं। नंबर 17, गुर्दे यानी किडनी के रोगों से बचने और इलाज करने के लिए हर 1 घंटे में पानी पीने की आदत डालें। पानी पीने से किडनी में मौजूद विषैले पदार्थ पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकलते हैं। नींबू पानी पीने से भी फायदा मिलता है, इससे शरीर को विटामिन सी मिलेगी। नंबर 18, अगर आप अपने अधिक खाने की आदतों से परेशान हैं और भूख कम करने के लिए दादी माँ के नुस्खे अपनाना चाहते हैं तो खाने में काली और हरी मिर्च का सेवन करें। मिर्च से भूख कम लगती है और मोटापा कम करने में मदद मिलती है। नंबर 19, कब्ज खोलने के लिए दही में इसबगोल की भूसी मिलाकर खाएं। पत्ता गोभी का जूस और पालक का जूस कब्ज का इलाज करने में असरदार है। नंबर 20, गले में टॉन्सिल और छाले होने पर 0.5 लीटर पानी में 20 ग्राम मेथी दाना डालकर धीमी आंच पर पकाएं और पानी को अच्छी तरह उबलने दें। पानी ठंडा होने पर इसे छान लें, फिर इसमें नमक डालकर 5 से 10 मिनट तक गरारे करें। इस उपाय को दिन में 2 से 3 बार करने पर टॉन्सिल से होने वाला दर्द कम होने लगेगा। नंबर 21, सर्दी जुकाम की समस्या में नाक बंद होने लगे तो थोड़ी सी अजवाइन पीसकर किसी पतले कपड़े में बांध लें और थोड़ी देर में इसे सूंघें, इससे नाक खुल जाएगी। नंबर 22, अगर किसी को लकवे का अटैक पड़े तो तुरंत 50 से 100 ग्राम तिल का तेल गुनगुना करके पिला दें और कच्चा लहसुन चबाने को दें। नंबर 23, मसूड़ों में दर्द, दांत दर्द और सूजन की समस्या का उपचार करने के लिए 1 गिलास पानी में 3 से 4 पत्ते अमरूद के उबाल लें और हल्का गुनगुना होने पर छान लें। अब इस पानी से थोड़ा सा नमक मिलाकर कुल्ला करें, दांतों और मसूड़ों के दर्द से छुटकारा मिलेगा। नंबर 25, 1 गिलास पानी में थोड़ी सी गिलोय और 5 से 6 तुलसी के पत्ते डालकर उबाल लें और काढ़ा बनाकर पिएं। इस काढ़े में पपीते के 3 से 4 पत्तों का रस मिलाकर पीने से प्लेटलेट्स की मात्रा तेजी से बढ़ती है। ये आयुर्वेदिक दवा स्वाइन फ्लू, डेंगू और चिकनगुनिया का रामबाण उपचार का काम करती है। नंबर 26, चेहरे पर दाग धब्बे और झुर्रियां हो तो थोड़े से बेसन में थोड़ी सी मलाई और 2 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को 0.5 घंटे के लिए चेहरे पर लगाकर रखें और फिर धो लें। इस घरेलू उपाय से चेहरे की खुश्की दूर होती है और झुर्रियां साफ होती हैं और चेहरे पर चमक भी आती है। नंबर 27, सर्दियों में होने वाले रोगों से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि खान पान का ध्यान रखा जाए। सर्दियों के मौसम में काली मिर्च, अदरक, लहसुन, तिल, केसर और गुड़ जैसी चीज़ें खाना चाहिए। ठंड में विटामिन सी के लिए संतरा, अमरूद और नींबू का सेवन करें। नंबर 28, अगर किसी को बुखार हुआ हो तो पहले बुखार के साथ आने वाले लक्षणों पर ध्यान दें। इससे ये पता चलेगा कि ये आम बुखार है या फिर मलेरिया, टाइफाइड
डेंगू या चिकनगुनिया की वजह से हुआ है। अगर आपको इनमें से किसी बीमारी के लक्षण दिखे तो एक बार किसी डॉक्टर से मिलें और टेस्ट करवाएं। बुखार किसी भी वजह से हो, गिलोय का काढ़ा पीने से आराम मिलता है। नंबर 29, अगर डेंगू के लक्षण दिखे तो इसके उपाय में भी गिलोय का सेवन अच्छा होता है। नंबर 30, खाना खाने के आधा घंटा पहले नमक के साथ अदरक का सेवन करने से भूख बढ़ती है। नंबर 31, बहुत से लोग अपने दुबले पतले शरीर से परेशान होते हैं और अपने दुबलेपन से छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं। शरीर का वजन कम हो या ज़्यादा, इसका प्रमुख कारण है खराब पाचन तंत्र। कुछ लोगों को पेट की बीमारियां जैसे कब्ज, गैस की वजह से भी ये परेशानी होती है। अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो पहले पेट की बीमारियों का उपचार करें और अपनी पाचन क्रिया को दुरुस्त करें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।